इस नए ब्लॉग में तो जैसा कि अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, सुबह के 5 बजे हैं और ये है कटिहार रेलवे स्टेशन का नज़ारा। फॉग इतना है कि विजिबिलिटी जो है वो 10 मीटर भी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा विजिबिलिटी कम हो गई है। अब ये देखिए, ये रेलवे स्टेशन है, कटिहार रेलवे स्टेशन। अभी बाइक से आया था, ये मेरी बाइक लगी हुई है और देखिए ये रेलवे स्टेशन का नज़ारा है। यहाँ का फॉग देखिए, ये यहाँ पे गार्डन बनाया गया है, यहाँ पे इंजन लगी हुई है, यहाँ पे जो स्ट्रीट लाइट है वो आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा फॉग हो रहा है। देखिए सुबह सुबह का नज़ारा रेलवे स्टेशन का, तो देख सकते हैं। देखिए अभी कुछ लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा ठंड हो रखी है यहाँ पे। अभी 5 डिग्री से 4 डिग्री के आसपास यहाँ पे टेम्परेचर है। ये एंट्रेंस है यहाँ का, ये इधर आप देख सकते हैं, यहाँ पे सीढ़ी लगी हुई है, इधर से आप दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे जाया जाती है, लिफ्ट भी लगी हुई है। कटिहार पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस का टाइम है जो कि लगभग 6 बजे यहां से खुलती है और उसी के लिए यहां पे बहुत ही भीड़ हो रही है। ये जो है यहां पे सुबह 6 बजे खुल के 2 बजे के आसपास जो है वो पटना पहुंचती है, फिर वही ट्रेन वहां से रिटर्न हो जाती है 2:30 बजे के आसपास। लेकिन यहां पे कोविड के समय ट्रेन जो है वो टाइमली ही चल रही है, नहीं तो ऐसे वो बहुत ही डिले चलती थी जो कि 4 बजे तक पटना पहुंचती थी, लेकिन अभी जो है वो एकदम बिफोर कभी कभी पहुंच जाया करती है। तो आप अभी देख सकते हैं यहाँ का पूरा नज़ारा, देखिए कितना फॉग हो रखा है। पाँच मीटर भी नहीं है और इसमें मैं निकला हूँ मोटो व्लॉगिंग करने सुबह के 5 बजे। तो एक लाइक तो बनता है, इतनी ठंडी हो रखी है, मेरे हाथ पूरे जाम हो रहे हैं, तो एक लाइक कर देना दोस्तों और शेयर ज़रूर कर देना। तो चलिए मैं अपने घर की तरफ निकल रहा हूँ अभी स्टेशन से। ओ माय गॉड, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि सामने कुछ आ रहा है लेकिन दिख नहीं रहा है, इसीलिए मैं थोड़ी गाड़ी की स्पीड जो है वो स्लो रखी है क्योंकि अचानक सामने से कुछ आ जाने के बाद कुछ भी हो सकता है। क्योंकि मैं एक हाथ से गाड़ी चला रहा हूँ और एक हाथ से व्लॉगिंग कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, देखिए कोहरा कितना, फॉग फॉग फॉग। आप भी कमेंट करो फॉग। तो क्या चल रहा है भाई? अरे हमारे यहाँ तो फॉग चल रहा है, आपके यहाँ क्या चल रहा है?